आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर 15 में हम सीखने जा रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कंपोनेंट, ऐसे फेनोमेना, ऐसी चीजें जहां पे लॉ अप्लाई नहीं होता है, उन्हें कहते हैं एक्सेप्शंस। तो लॉ कहता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। लॉ कहता है, अल्फ्रेड मार्शल सर कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा, और उसका उल्टा, उसका वाइस वर्सा, यानी अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा, ये लॉ कहता है। अब एक्सेप्शन मतलब ऐसे केसेस जहां पे ये चीजें अप्लाई नहीं होती हैं, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर सबके सामने, आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शॉर्ट नोट के लिए खुद इंडिविजुअल एक अलग से क्वेश्चन बनता है, जो पॉइंट नंबर 1 है, दैट इज सप्लाई ऑफ लेबर। इसी पॉइंट को हम डिटेल में जानेंगे इस लेक्चर में कि भाई सप्लाई ऑफ लेबर में क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता क्या है, और सप्लाई ऑफ लेबर क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, क्या लॉ ऑफ सप्लाई जो है सप्लाई ऑफ लेबर पे इंपैक्ट करता है क्या नहीं करता है? सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर इज टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट। सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि एक वर्कर जो है कितने घंटों तक एक काम को करता है। लेट्स से कि भाई एक वर्कर के पास दिन में 24 घंटे अवेलेबल है, उसमें वो 8 घंटे जो है वो काम करता है। इट रिप्रेजेंट ग्राफिकली बाय सप्लाई कर्व, और इसे कैसे दर्शाया जाएगा, अभी हम सप्लाई कर्व बनाएंगे, उस तरीके से इसे दर्शाया जाएगा। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से ग्राफिकली उसको प्रेजेंट किया जाएगा, इस तरीके से ये ग्राफ। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में जानेंगे, अभी हम इसको पढ़ते हैं, पहले हम थ्योरी पढ़ लें इसका। इन केस ऑफ लेबर एज द वेज रेट राइजेज द सप्लाई ऑफ लेबर यानी वर्क्स आस वर्क वुड इंक्रीज। अगर उसको लगेगा कि भाई मैं अगर जितना काम कर रहा हूं उस एक घंटे के लिए अगर मुझे 100 रुपए मिलते हैं तो वो लेबर को कितना मिल रहा होगा 8 घंटे काम करने के बाद, 800 रुपए। ठीक है, तो अगर उसको लगेगा कि भाई मुझे अब 8 घंटों के बाद अगर मुझे 8 घंटों का 150 रुपए मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा काम करना चाहूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई वेज रेट यानी जो प्राइस था वो इंक्रीज हो गया, वेज रेट का मतलब है उसकी कमाई, तो वो वेज रेट इंक्रीज हो गया है, पर आर पे जितना उसको कमाई मिल रही थी वो इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा घंटे काम करने की कोशिश करेगा। अब वो 8 घंटे नहीं बल्कि सोचेगा कि मैं 10 घंटे काम करूं ताकि अब मेरी कमाई जो है वो और इंक्रीज हो जाए, 800 से डायरेक्ट 1500 हो जाए, क्योंकि मेरा वेज रेट इंक्रीज हुआ है तो मैं नंबर ऑफ आवर्स जो काम कर रहा था वो सप्लाई भी ज्यादा करूंगा। ऐसा कौन सोचेगा, ऐसा ही लेबर सोचेगा। सो सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, इससे क्या होगा, जितना ज्यादा वेज रेट बढ़ेगा, जितना ज्यादा वेज रेट इंक्रीज होगा उतना ज्यादा सप्लाई ऑफ लेबर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सप्लाई ऑफ वर्कर यानी वर्क्स आर फॉल विद अ फर्दर राइज इन द वेज रेट, और अगर इंक्रीज होते होते ऑब्वियसली उसके पास कितना भी इंक्रीज हो जाए, वेज रेट अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या वो ऐसा कंटिन्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता ऑब्वियसली, क्योंकि वो 24 घंटों से ज्यादा तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास लगाने के लिए दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही है। तो अगर वेज रेट इंक्रीज होता रहेगा और वो सप्लाई बढ़ाता रहेगा तो ऑब्वियसली वो आपको लगता है कोई भी वर्कर 24 आवर्स तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके पास एक लिमिट होगी जहां पे पहुंचने के बाद वो वेज रेट तो इंक्रीज होगा लेकिन वहां पे सप्लाई डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, एंड सप्लाई कर्व ऑफ लेबर बेंड्स बैकवर्ड, और इससे क्या होगा, जितना अब जितना ज्यादा वेज रेट इंक्रीज होगा उतना ही सप्लाई ऑफ वर्कर्स आर या सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीज होने लगेगा, वो वर्कर जो है और कम काम करने लगेगा। पहले क्या हो रहा था, वेज रेट इंक्रीज हो रहा था तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा था, वो ज्यादा घंटे काम कर रहा था, लेकिन ऑब्वियसली एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद अपने पूरे घंटे लगाने के बाद अब वो वर्कर कुछ आराम करना चाहता है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसके बाद ऑब्वियसली उसका जो सप्लाई ऑफ लेबर है, जो वर्क आवर वो काम कर रहा है, जितने घंटों के लिए वो काम कर रहा है वो डिक्रीज करता रहेगा, तो वेज रेट इंक्रीज होता रहेगा और उसका सप्लाई ऑफ वर्कर, सप्लाई ऑफ लेबर, उसके घंटों करने का काम जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। दिस इज बिकॉज वर्कर वुड प्रिफेर लीजर
टू वर्क आफ्टर रिसीविंग हायर अमाउंट। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई वर्कर जो कह रहा है कि भाई पहले तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए मिलते थे, अब मुझे 50 रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे, और उसके बाद 200 रुपए और मिलेंगे, और उसके बाद 250 रुपए और मिलेंगे। तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि अब मुझे कम काम करूंगा तो भी मैं आराम से जितना मैं पहले कमा रहा था 800 रुपया उतना तो कमा ही सकता हूँ। तो अब मैं बैठ जाता हूँ आइडल लेजर, बैठ जाता हूँ खाली, बैठ जाता हूँ और आराम करता हूँ आफ्टर रिसीविंग हायर अमाउंट ऑफ वेज। ठीक है, तो क्या करेगा, अगर जैसे जैसे उसका वेज रेट इंक्रीज होता रहेगा उसका लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम, आइडल टाइम, बैठने वाला टाइम, वो बढ़ता रहेगा। दस आफ्टर सर्टेन पॉइंट व्हेन वेज रेट राइजेस सप्लाई ऑफ लेबर टेंड्स टू फॉल। तो ऑब्वियसली अब हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर लिमिट पे पहुंचने के बाद वेज रेट भले से इंक्रीज होता रहे लेकिन सप्लाई डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। अभी हम इस सप्लाई कर्व को देखेंगे टेबल 4.4 में एंड फिगर 4.5 एक्सप्लेन द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। आप देख पा रहे हैं ये है सप्लाई कर्व, बेंडिंग बैकवर्ड सप्लाई कर्व। कैसे पता चला, सबसे पहले हमने आपको बताया कि हमारे पास दो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। एक्सिस पे हमने लिया सप्लाई ऑफ लेबर, वाई एक्सिस पे हमने लिया वेज रेट यानी कितना कमा रहा है वर्कर, एक घंटे में कितना कमा पा रहा है। ठीक है, तो हमने नॉर्मल पहले समझने, सबसे पहले इस टेबल को समझना पड़ेगा, डायग्राम को समझने के लिए आपको पता है पहले हम शेड्यूल देखते हैं फिर डायग्राम देखते हैं। तो वेज रेट आपको दिया गया है, वर्कर्स का पर डे का काम दिया हुआ, एक घंटे में, एक दिन में कितना घंटे काम करता है, एंड टोटल वेज वो कितना कमा पा रहा है। ठीक है, तो उसको एक वर्कर को 100 रुपये अगर मिलते हैं तो वो 5 घंटे काम कर रहा है, जिसको उसकी वजह से टोटल इनकम जो उसका हो रहा है, टोटल कमाई जो वो कर रहा है वो है 500 रुपये। अगर वेज रेट इंक्रीज हो जाता है 100 से 200 रुपये उसको घंटे के मिलने लगते हैं तो वो भी बोलेगा कि मैं ज़्यादा काम करूँगा, 7 घंटे काम करता है और इसकी इनकम जो है वो 1400 रुपये हो जाती है। 500 से डायरेक्ट इंक्रीज हो गए उनकी इनकम, डायरेक्ट 1400 रुपये। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरीके से वेज रेट बढ़ता रहा, एक्सेप्शन पड़ रहा है ऑब्वियसली, हम इसी रेट से अगर वेज रेट बढ़ता रहा 200 से 300 हो गया तो क्या करेगा, अपना वर्क आवर कम कर देगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा भाई अब तो मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, मैं काम क्यों करूं, और उसका जो टोटल वेज रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, टोटल अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो काम करने के बाद भी हमें अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो गया। आप देख पा रहे हैं उसकी जो टोटल कमाई है, कम आवर्स काम करने के बाद, लिमिटेड आवर्स काम करने के बाद भी उसकी जो टोटल वेज अमाउंट है वो इंक्रीज होते दिख रही है आपको। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, उसका वेज रेट जो है पर आवर का जो अमाउंट था वो इंक्रीज हो गया। तो इससे क्या पता चला, पहले वेज रेट इंक्रीज हो रहा था, वर्क आवर भी इंक्रीज हो रहा था, वेज रेट और इंक्रीज हुआ, वर्क आवर और इंक्रीज हुआ, लेकिन वेज रेट और इंक्रीज हुआ, अब वर्क आवर डिक्रीज होना शुरू हो गया, और उसके बावजूद उसकी कमाई जो है वो इंक्रीज ही हो रही है, कम नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे आपको क्या मिल रहा है, सप्लाई बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, ऐसे क्या है इंक्रीजिंग सप्लाई, ए और एस में क्या मिलेगा, लेजर टाइम यानी बैठने वाला टाइम। लेजर टाइम का मतलब होता है खाली टाइम, आइडियल टाइम, फ्री टाइम, जिसमें वो वर्कर बैठ जाता है, आराम करता है, उसे कहते हैं लेजर टाइम। ठीक है, तो आपने देखा सबसे पहले हमने 100 रुपीज वो वर्कर कमा रहा था एक घंटे का, तो कितने घंटे काम कर रहा था, 5 घंटे काम कर रहा था, पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, वेज रेट इंक्रीज हो गया, 200 रुपये उसे मिलने लगे घंटे के, तो उसने क्या किया, वो आज जो काम कर रहा था वो और बढ़ा दिया, 7 घंटे काम करने लगा 200 रुपये के हिसाब से, एक पॉइंट पे पहुंच गया, पॉइंट ए हमें मिल गया। लेकिन अगर हमारा वेज रेट उस वर्कर का और इंक्रीज हो गया, 300 पहुंच गया, तो उसने अपना जो वर्क आवर था वो डिक्रीज कर दिया, 300 रुपये पे 6 घंटे काम कर रहा है और उसकी कमाई अभी भी 1800 रुपये ही है। ठीक है, तो इससे अपने आपने क्या मिलाया, सप्लाई कर्व मिला दिया बैकवर्ड वाला। एसएस नॉर्मली हम सप्लाई कर्व होता है एसएस से मेंशन करते हैं क्योंकि बैकवर्ड है, इसलिए आपने पॉइंट ए बीच में रखा और इसको कर दिया S1। ठीक है, तो आपको क्या मिला, पहला इंक्रीज कब हो रहा था, ए से एस से ए तक। ठीक है, और फिर डिक्रीज कब हो रहा है, बैकवर्ड कब हो रहा है, आपने देखा ए से S1 तक, A to S1। A to S1.
क्लियर एवरीवन, ये बैकवर्ड है, ये वाला रीजन जो है बैकवर्ड। नॉर्मली जनरली क्या होना चाहिए था, आगे जाना चाहिए था, आगे नहीं गया बल्कि पीछे आ गया, तो ये बैकवर्ड रीजन जहाँ पे वो सप्लाई का पीछे आ गया, यही है एक्सेप्शन। नॉर्मली जनरली हमने क्या सीखा था कि भाई प्राइस रेट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ना चाहिए था, आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये तो पीछे आ गया, तो हो गया ना एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यही कहता था ना कि भाई जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। नॉर्मली जनरली अगर वेज रेट बढ़ता था तो सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमें पॉइंट से प्रूफ हो गया कि भाई वेज रेट अगर इंक्रीज होता रहेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज नहीं होगा। वर्कर क्या करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, बैठने की कोशिश करेगा, आराम करने की कोशिश करेगा, अगर उसका कमाई कंटिन्यूस इंक्रीज होती रहेगी तो। ठीक है, अब इसी शेड्यूल को हमने, इसी डायग्राम को क्या किया, बस एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। इन फिगर 4.5 सप्लाई ऑफ लेबर यानी आर्क्स ऑफ वर्क इन शोन एक्स एक्सिस एंड वेज रेट एज पर शोन इन द वाई एक्सिस। आपको पता है एक्सिस पे हमने लेबर दिखाया है, वाई एक्सिस पे कितनी कमाई वो करता है वो दिखाया। द कर्व ए एस ए, कर्व का नाम क्या है, ए एस ए, इसकी बात कर रहे हैं, ए एस ए रिप्रेजेंट बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी हमने ये भी देखा था, ये भी हमने डायग्राम में लिखा था कि भाई ए एस ए क्या है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियली व्हेन द वेज रेट ऑफ रुपीज रेट पर 100 रुपीज पर आवर, जब 100 रुपया था आपको पता था वेज रेट पर 5 आवर्स, हम कितने घंटे तक काम कर रहा था, बोले 5 घंटों तक काम कर रहा था, द टोटल अमाउंट ऑफ वेज रिसीव इज रुपीज 500, अब 500 रुपए कमाई हो रही थी। याद है आपको 100 इंटू 5 कर दिया था तो 500 रुपए कमाई हो रही थी। इसी तरीके से व्हेन द वेज रेट राइजेस फ्रॉम 100 टू 200, अगर वेज रेट और इंक्रीज हो रहा था, आपने देखा था शेड्यूल में, यस, तो शेड्यूल में वेज रेट और इंक्रीज होता दिखा, तो क्या करता, नंबर ऑफ आवर्स क्या हो रहे थे, और ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, वो और ज्यादा इंक्रीज करता 5 to 7, तो वो और ज्यादा काम कर रहा था, 200 रुपए के हिसाब से 7 घंटे काम कर रहा था, तो इससे क्या हो रहा था, उसकी कमाई और ज्यादा इंक्रीज हो गई, 1400 रुपए तक पहुंच गई थी। अब यहाँ से बैकवर्ड बेंडिंग शुरू होना स्टार्ट हो गया था, कहाँ से, एट दिस पॉइंट लेबर एंजॉय द हाईएस्ट अमाउंट, और इस पॉइंट पे क्या करता है, वो हाईएस्ट अमाउंट एंजॉय करता है कि भाई अब तो बहुत पैसा आ गया है, अब क्या कर रहा है, पे 1400 एंड वर्क 7 आवर्स, और 7 घंटे काम करने के बाद उसको 1400 रुपए मिल रहे हैं। इफ द वेजेस राइजेस फर्दर फ्रॉम 200 to 300, और आपने देखा कि 200 से 300 भी वेजेस हो गया, उसके बाद क्या हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ वेज अमाउंट में राइजेस, उसकी कमाई तो इंक्रीज हो गई थी, याद है 300 रुपए पे वो कितना घंटा काम कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा काम कर रहा था, जिसे उससे उसकी कमाई कितनी हो रही थी, वेज टोटल अर्न हो रहा था उसको 1800 रुपए, 1800 रुपीज को रिकवर हो रहा था। बट द लेबरर विल प्रिफर लेजर टाइम एंड डिनाइज टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, लेकिन अब उसको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, एक घंटे का ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो क्या कर रहा है, वो ज्यादा घंटे काम करने के लिए मना कर रहा है, एक्स्ट्रा काम करने के लिए मना कर रहा है, वो बोल रहा है जब मैं कम काम करके ही ज्यादा पैसा कमा रहा हूं तो मैं ज्यादा काम क्यों करूं। Thus, he is ready to work only for 6 hours. और फिर वो रेडी हो जाएगा, मैं 6 घंटे काम करूंगा, वेज रेट इंक्रीज होता रहेगा और मेरा सप्लाई भी डिक्रीज होता रहेगा। एट दिस पॉइंट ए द सप्लाई कर्व बेंड्स बैकवर्ड एंड विच बिकम्स एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। और इससे हमें क्या पता चला, एक्सेप्शन लॉ ऑफ सप्लाई पता चला कि अगर प्राइस सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज होता रहेगा, वेज रेट इंक्रीज होता रहेगा, तो सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज नहीं होगा, वो लेबर कम काम करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसकी कमाई तो उतनी ही रहने वाली है या फिर बढ़ने वाली है। तो एक कोई भी लेबर लेजर टाइम को सेलेक्ट करेगा, वेज रेट को इंक्रीज करता रहेगा, और अगर वेज रेट कंटिन्यूस इंक्रीज होता रहा तो सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीज होता रहेगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ लेबर, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई का फर्स्ट एक्सेप्शन हमने पढ़ा। इसको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा क्योंकि अलग से हो सकता है शॉर्ट नोट आ जाए, नहीं आता है अगर शॉर्ट नोट तो आपको इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, ये हमने इसलिए पढ़ा ताकि इससे रिगार्डिंग अगर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं, इससे रिगार्डिंग अगर आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है तो वो क्लियर हो जाता है, और अगर सिर्फ एक्सेप्शन में पूछा तो आपको उसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ एक पॉइंट लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। पॉइंट नंबर 2, एग्रीकल्चरल गुड्स। The law of supply does not apply on the agriculture goods as they are produced in a specific season and their production depends on weather condition. So point number 2 se hame pata chala, supply of agriculture goods ke agar, let's say koi bhi ek vegetable ka example le lete hain, theek hai, to spinach ka example lete, palak ka example lete, ki bhai spinach jitna bhi production hua hai उस प्रोडक्शन में अगर स्पीच का प्राइस 10 से 20 रुपीज हो गया तो क्या स्पीच का प्रोडक्शन हम कल्टीवेट ज्यादा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि भाई उसके लिए एक एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, एक क्लाइमेट चाहिए होता है, एक सॉइल चाहिए होता है। ऑब्वियसली वो हम साल भर तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो प्रोडक्शन साल भर नहीं कर पाएंगे, प्राइस इंक्रीज होगा, हम एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर गुड्स की जो क्वांटिटी है वो उतना ही प्रोड्यूस होगी। नॉर्मली जनरली हमने क्या देखा था, प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन एग्रीकल्चर गुड्स में ऐसा नहीं होता है। प्राइस भले से इंक्रीज होना दो, सप्लाई हम इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है नेचुरल कंडीशन पे, क्लाइमेट पे, क्वालिटी ऑफ सॉइल पे, क्वालिटी ऑफ सीड पे और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे। तो पॉइंट नंबर टू, एक्सेप्शनल लॉ ऑफ सप्लाई सीखा कि अगर प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स इंक्रीज भी हो जाए तभी भी हम एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते, वो जितना है उतना ही रहने वाला है, नेचुरल प्रोडक्शन। आगे इसको पढ़ते हैं, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन द वेदर इफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लो द सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इवन एट हाई प्राइस। और आपको पता है कि अगर बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, सैलाब आ गया, कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो ऑब्वियसली प्राइस कितना भी हो उस पालक का, हम उसका सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोडक्ट हुआ ही नहीं है, और हुआ है तो भी लिमिटेड हुआ है, और हुआ है तो कोई कोई लिमिटेड स्टेट में हुआ है, कोई कोई जगह पे हुआ है, सब जगह नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली हम उसका सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है वेदर पे। क्लियर एवरीवन? एक्सेप्शन नंबर पॉइंट नंबर टू, एग्रीकल्चर गुड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर थ्री, अर्जेंट नीड ऑफ कैश, अर्जेंट नीड फॉर कैश। इफ द सेलर इज इन अर्जेंट नीड फॉर कैश, ही मे सेल हिज प्रोडक्ट At which may even be the lower the market price. और obviously एक दुकानदार है, अभी हमने क्या सीखा था कि भाई high price होगा तभी वो quantity supply ज़्यादा करेगा, लेकिन आपको पता है कि भाई दुकानदार है, उसको कोई emergency है, medical emergency है, घर में कोई बीमार है, अब उसको पैसा चाहिए, तो अब क्या करेगा, वो price कम में भी ज़्यादा बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया कि अर्जेंट नीड ऑफ कैश, उसको पैसे की ज़रूरत है, प्राइस कम चार्ज करके भी ज़्यादा वो क्वान्टिटी सप्लाई कर सकता है, तो ये हो गया ना एक्सेप्शन। नॉर्मली जनरली लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस हाई होगा तभी सप्लाई ज़्यादा होगा, लेकिन जब एक सेलर को, एक प्रोड्यूसर को, एक मैन्युफैक्चरर को अगर अर्जेंट नीड ऑफ कैश है, पैसे की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली इस टाइम पे वो क्या करेगा, सप्लाई ज़्यादा करेगा, इवन कम प्राइस चार्ज करके भी। क्लियर हो गया? पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स का एग्जाम्पल क्या था आपको बताया था, यस, पेरिशेबल गुड्स जिनका लाइफ स्पैन कम होता है, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, फूड ग्रेन, वेजिटेबल, फिश, एग, ऐसे प्रोडक्ट जो जल्दी खराब हो जाते हैं उन्हें कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। ठीक है, सप्लायर would offer to sell more quantities at lower price to avoid losses, for example vegetables and eggs. Even though usko pata hai ki bhai vegetable bahut zyada keemti hai, sab log ise khayenge, consume karenge, purchase karenge, lekin wo ye bhi janta hai ye vegetable perishable hai, jaldi kharab ho jane wale hai, to aapko pata hai wo kam price mein bhi sell karne ke liye taiyar ho jata hai. Kyun? Agar wo sell nahi karenge to ultimately wo sabzi, wo tarkari, wo bhaji, wo vegetable kya hone wala hai, बर्बाद होने वाला, खराब होने वाला, सड़ने वाला है, तो ऑब्वियसली वो कम प्राइस में भी उसको बेच देते हैं। हो गया एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई कि भाई पेरिशेबल गुड्स पे भी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि सप्लायर ऑफ सप्लाई कहते हैं कि प्राइस हाई होगा तभी सप्लाई भी ज्यादा होगा, लेकिन वेजिटेबल्स में, पेरिशेबल गुड्स में प्राइस हाई हो जाने दो या लो हो जाने दो, उसकी डिमांड सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस अगर उसका प्राइस कम भी हो तभी भी एक वेजिटेबल उसको बेचेगा ही बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि एक प्रोडक्ट खराब हो जाने वाला है, मैं अपने पास रख के सिर्फ और सिर्फ इसको लॉस कमाने वाला हूँ, तो कम प्राइस में भी बेच देते। इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर मार्केट में रात के वक्त सब्जी तरकारियाँ सस्ती हो जाती हैं। क्यों सस्ती हो जाती हैं? क्योंकि उस वेंडर को पता है कि मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास इनको रखने के लिए फ्रिज नहीं है, मेरे पास रखने के लिए और दूसरे इंतजाम नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कम प्राइस में भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हो गया एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, पॉइंट नंबर फोर, पेरिशेबल गुड्स। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रेयर गुड्स। रेयर गुड्स का मतलब द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड। इवन द प्राइस राइजेस, सप्लाई ऑफ remain unchanged. For example, rare paintings, gold coin, antique goods, etc. यानी ऐसे प्रोडक्ट जो रेयर हैं, चाहे वो मोनालिजा की पेंटिंग हो, चाहे वो हमारे पास हमारा कोहिनूर का डायमंड हो, चाहे वो ताजमहल हो, तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसे रेयर आर्टिकल्स हैं जिनका प्राइस ज़्यादा भी होगा तो ऑब्वियसली हम दो मोनालिजा की पेंटिंग तो नहीं बना सकते, क्योंकि भाई वो एक ही है और उसकी जैसे दुनिया में कोई दूसरी पेंटिंग नहीं है, तो प्राइस हाई है उसका, लेकिन उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं की जा सकती, वो दुनिया में एक ही। इसी तरीके से कोहिनूर हीरा, वो प्रेशियस कॉइन या मेटल या प्रेशियस स्टोन उसकी कैटेगरी में आ जाता है, तो ऑब्वियसली इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, अब चाह के भी उसका सप्लाई एक से दो नहीं कर सकते। कोहिनूर हीरा एक ही है तो वो एक ही रहेगा, ताजमहल दुनिया में एक ही है, एक ही रहेगा।
इसी तरीके से कोई गोल्ड कॉइन हो गया, कोई पेंटिंग हो गई, कोई दूसरे अदर आर्टिकल, रेयर आर्टिकल्स हो गए, वो सब आ जाएंगे रेयर गुड्स की कैटेगरी में, जहां पे प्राइस हाई होने के बाद भी हम उसका सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये हो गया एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन से रिगार्डिंग। पॉइंट नंबर वन में हमने सीखा था कि भाई एक्सेप्शन जो काम करता है सप्लाई ऑफ लेबर के लिए, फिर एग्रीकल्चर गुड्स, अर्जेंट नीड ऑफ कैश, पेरिशेबल गुड्स, और फिर लास्ट में सीखा रेयर गुड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ सप्लाई। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफकोर्स गुड बाय।